Welcome to Exact Education. This is episode 2 of chapter 2 for class 9 NCERT Mathematics. चलिए बिना कोई देरी किए exercise 2.2 start करते हैं. Question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at one part x is equal to 0, second part x is equal to minus 1 and third part is x is equal to 2. इस क्वेश्चन के अंदर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर हमें x की वैल्यूज जो हैं 0, माइनस 1 और 2 दी गई है. तो पहला सॉल्यूशन हम देखते हैं जहां पर x की वैल्यू जो है 0 है. हमारी जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. हमें फाइंड करना है p ऑफ 0. तो जहां पर भी x की वैल्यू है वहां पर हम 0 पुट करेंगे. 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 एंड माइनस 4 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0 प्लस 3. तो इसका जो आंसर रहेगा वो 3 होगा. उसके बाद इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे जब हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1 है. तो माइनस 1 की वैल्यू रखते हैं 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3. नेक्स्ट होगा इसका 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर ये होगा माइनस 4. माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 प्लस 3. माइनस 4 एंड माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3. माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6. तो इसका आंसर होगा माइनस 6. इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जहां पर एक्स की जो वैल्यू है वो है 2. 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड पी जीरो पी वन एंड पी टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल. फर्स्ट पॉलीनोमियल पी वाई इज इक्वल टू y square minus y plus 1. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को हम देखते हैं. इसके अंदर जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उनकी वैल्यू हमें पी जीरो पी वन एंड पी टू के अकॉर्डिंग निकालनी है. जैसे कि पहले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 ऐसे हमें अलग अलग वैल्यू पुट की थी, वैसे ही यहाँ पर जो y दिया गया है उस y की वैल्यू में हम 0, 1 और 2 पुट करके इन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो निकालेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इसमें हम लेते हैं पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1. पी जीरो पुट करते हैं 0 स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. पी वन इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. देन पी टू इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में हम पहले देखते हैं पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल टू 2
प्लस टी प्लस टू टी स्क्वेयर माइनस टी क्यूब। पी जीरो पर वैल्यू हम निकालेंगे, टू प्लस जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो की पावर टू माइनस जीरो की पावर थ्री, और इसका रिजल्ट होगा कैलकुलेट करने के बाद टू। इसी प्रकार पी की पावर पी वन इजिकल टू टू प्लस वन प्लस टू मल्टीप्लाई वन की पावर टू माइनस वन की पावर थ्री। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा फोर। सेम पी टू इजिकल टू टू प्लस टू प्लस टू मल्टीप्लाई टू की पावर टू माइनस टू की पावर क्यूब। कैलकुलेशन फोर प्लस एट माइनस एट इजिकल टू फोर। इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट भी इसी प्रकार से करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट डैम। इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू दी गई है और उस वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल में पुट करके ये चेकआउट करना है कि वो पॉलिनोमियल जीरो है या नहीं है। अब सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हम रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल जीरो है या नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल 3x प्लस वन एंड x की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री, ये पॉलिनोमियल जीरो है। इसका आंसर है यस। सेकंड पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई, ये पॉलिनोमियल जीरो नहीं है। थर्ड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स इजिकल टू वन, ये पॉलिनोमियल जीरो है। इसका आंसर यस। इसी क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू माइनस वन दी गई है, तो दोनों को आप इसमें चेक करेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट x प्लस वन एक्स माइनस टू, ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इजिकल टू जीरो, ये भी पॉलिनोमियल है। उसके बाद सिक्स पार्ट एल एक्स प्लस एम इजिकल टू जीरो वेयर एक्स इजिकल टू माइनस एम अपॉन एल, ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी पॉलिनोमियल जीरो होगी। उसके बाद सेवन्थ पार्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन वेयर एक्स इजिकल टू माइनस वन अपॉन थ्री, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट ए जीरो पॉलिनोमियल। एट्थ पार्ट 2x प्लस वन वेयर x इजिकल टू वन बाय टू, ये पॉलिनोमियल भी नॉन जीरो होगी, तो इसका आंसर होगा नो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट x प्लस फाइव, इसको हल करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में रखना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में x प्लस फाइव इजिकल टू जीरो, x इजिकल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव इज द जीरो ऑफ x प्लस फाइव। इन सभी पार्ट्स में जो भी पॉलिनोमियल दी गई है उनको जीरो के इक्वल में रखेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से सिंपल तरीके से आपके हो जाएंगे। आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर।
If any, please comment and also subscribe Exact Education and press the bell icon. Thank you.